तो टेक्नो स्पार्क 10 रिलीज हो चुका है पाकिस्तान में, लेकिन खरीदने से पहले ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं भी खरीदने गया था और मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली जो कि यार मेरा नहीं ख्याल कि आपको भी पता होंगी और मुझे भी पता नहीं थी, क्योंकि मैं इस फील्ड से रिलेटेड काफ़ी एक समझने के एक्सपीरियंस रखता हूँ, क्योंकि हमारी शॉप ही थी और अभी भी मेरे ताल्लुकात ऐसे हैं शॉप वालों के साथ जो कि मुझे पता चल जाता है हाँ भाई कौन सी चीज़ कितने की आ रही है और इस चीज़ में क्या क्या सीन हो रहे हैं। तो रिसेंटली टेक्नो स्पार्क 10 रिलीज़ हुआ है, वो लैपटॉप मैंने सामने रखा है, कुछ चीज़ें जो कि आपको लाइव भी दिखाऊँगा, हकीकत के बारे में बताऊंगा आपको कि आखिर पाकिस्तान में इस मोबाइल को लेके चल क्या रहा है, इस मोबाइल को लेके नहीं ओवरऑल मोबाइल्स को लेके क्या चल रहा है सब दिखाऊंगा। अभी इसकी जो स्पेसिफिकेशंस भी रिलीज़ हुए इन पाकिस्तान, ठीक है, मार्केट में मैं गया भाई, मैंने देखा कि 64 7GB रैम के साथ भी आ रहा है, 256 में भी आ रहा है, ठीक है, साथ में 128 में भी आ रहा है, 8 8 120 में आ रहा है, और अजीब और गरीब किस्म का सीन बना हुआ है यार, कुछ समझ में नहीं आ रही कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है, ऑनलाइन जो मार्केट है वो कुछ और बता रही है, ऑफलाइन मार्केट जाएं वो कुछ और बता रही है, वीडियोस देखो उसमें कुछ और बता रहे हैं। तो मार्केट गया मैं, वहाँ से सब कुछ मैंने देखा कि यार आखिर ये सीन क्या है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मुझे पता चली वो आपको बतानी ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख के भी रखी हुई हैं, क्योंकि यार आज दिन को मेरा सारा काम मतलब यही लैपटॉप पर था कि इस मोबाइल के बारे में मैं ओवरव्यूज़ देख रहा था, फॉरेन कंट्रीज़ के भी व्यूज़ देखे मैंने, तो पाकिस्तान के भी देखे, अजीब सा सीन पाकिस्तान में चल रहा है यार। ओवरऑल वर्ल्ड में अगर ये इंटरनेशनल मार्केट की बात करें उसमें 256 वेरिएशन भी लॉन्च हुआ है और 128 भी, लेकिन वो क्लीन लॉन्च हुआ है, पाकिस्तान की तरह चाइनीज कॉपीज़ में लॉन्च नहीं हुआ जो कि पाकिस्तानी खुद बना रही है, ठीक है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो जो जिस स्पेसिफिकेशन से लॉन्च हुआ है मैन स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, तो यूनिसो का प्रोसेसर है इसका T606, ठीक है, गेमिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है प्रोसेसर, तो बस नॉर्मल प्रोसेसर में ही आ रहा है, मैन चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, IPS जो इसका 90Hz रिफ्रेश रेट है इसका, ठीक है, रिफ्रेश रेट जो 90Hz स्क्रीन आपको मिलती है, उसके बाद फ्रंट कैम जो मार्केट में हमें बता रहे हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं जी 8MP इसका फ्रंट कैमरा है और जो मेन कैमरा है 16MP का है। अभी मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी दिखाता हूँ कि वहाँ क्या कह रहे हैं और ये मार्केट वाले क्या कह रहे हैं। जो प्राइस टैग है इसका 34,999 के आसपास से शुरू होता है और 50K तक जाता है, जहाँ जो मिलता है वो रगड़े जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब आते हैं ज़रा स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने टेक्नो स्पार्क 10 प्राइस इन पाकिस्तान लिखा तो ये बहुत सी वेबसाइट्स जो कि फर्स्ट पेजेस में आती हैं सारी मैंने ओपन कर ली, और ओपन करते ही यहाँ पे मुझे रेटिंग्स वगैरह दिखाई दे रही हैं, अवार्ड्स वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। तो टेक्नो स्पार्क 10 इसकी शेप वगैरह भी आ रही है लुक आईफोन की तरह आ रहा है, जो कि ज़्यादा इसको डिमांड में ला रहा है, क्योंकि आईफोन की फुल फ्लैश कॉपी आ रही है। चीज़ की मुझे बहुत बुरी लगी है जो कि ये चीज़ है यहाँ पर यार, ठीक है, ये टोटली जो है ना इसका जो डिस्प्ले के अंदर इन्होंने ब्लैक सी हल्का सा उन्होंने नॉच दे दी है, ये क्या दिया है अल्लाह जाने, जो कि बहुत अजीब सा ये लग रहा है। तो यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो रिलीज डेट 23 मार्च 2023, ठीक है। अब ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ये जो मॉडल रिलीज़ हुआ है ना ये जुलाई में रिलीज़ हुआ है, तो ये मार्च 2023 में भी आ रहा है भाई, के ये जो मॉडल है ये अब प्रीवियस मॉडल आ रहा है आई थिंक सो, इसलिए तो आई डोंट नो यार कि हो क्या रहा है पाकिस्तानी मार्केट में। तो फ्रंट कैम जो इसका 50MP आ रहा है, ठीक है, और 0.8MP साथ में इनको जो फोकस कैमराज आ रहे होते हैं साथ में वो आ रहे हैं, सेल्फी जो है वो इसके 8MP आ रहा है, जबकि मार्केट में मैं गया तो वहाँ से मैंने देखा तो फ्रंट कैम जो है वो 8MP मिल रहा था और रियर कैम जो है वो 16MP, और यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा 50MP है और सेल्फी जो है वो 8 है। अब जो ये बंदे ने लिखा है ना फ्रंट कैम नहीं होता, ये मेन कैमरा यहाँ पर होता है और सेल्फी कैमरा जो होता है वो फ्रंट कैम होता है। तो 8MP एंड्रॉयड 13 आ रहा है, ये ज़रा माइंड में रखना है आपने। HIOS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका 12 आ रहा है, 128GB 8GB रैम के साथ आ रहा है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसका यहाँ पर आ रहा है, और आगे मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको प्रोसेसर के बारे में पहले मैंने बता दिया, T606 आ रहा है, डुअल सिम 4G आ रहा है और 8.4 थिकनेस जो इसकी आ रही है। तो उसके अलावा नीचे मज़ीद इसकी जो हैं और स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, लॉन्च डेट कब है 23 मार्च 2023, ठीक है। अब ये भी आपने देख लेना है जो इसकी फुटेज आ रही है आपके सामने लाइव,
तो अब सेकंड उसकी तरफ चलते हैं, वेबसाइट की तरफ, जो कि पून बोली है। ये भी पाकिस्तान की वेबसाइट है। टेक्नो स्पार्क 10 प्रो किस किस प्राइस टैग में आ रही है? ये 3 वेरिएशन में आ रही है, 4 128 में, 8 128 में और 8 256 में। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, ये 128। अब जो इन्होंने क्या किया हुआ है, जो 4GB रैम है इसके असल, और 4GB एक्सटेंडेबल जो रैम होती है, वो यहाँ पे इन्होंने एक बार ही मेंशन कर दिया, ना कि उन्होंने 4GB एक्सटेंडेबल लिख के मेंशन किया। उन्होंने 8GB एक जगह ही मेंशन कर दी कि 8GB इसकी रैम है, 8GB रैम नहीं, इसकी 4GB रैम है, और 4 जो है वो एक्सटेंडेबल रैम है इसकी। तो यहाँ पे 4 128 में आ रहा है, 8 128 में आ रहा है, और 8 256 में आ रहा है। पाकिस्तानी मार्केट में 256 वाला आप निकाल के बता दो मुझे, मैं आपको मान जाऊँगा। मार्केट में इस वक्त सब कुछ ब्लैक में चल रहा है, ठीक है। ये वेरिएंट मोबाइल का जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है इस टाइम, कंपनी बहुत लिमिटेड एडिशन में मोबाइल आ गए सेलर्स को दे रही है, और जो हैवी इन्वेस्टर्स हैं इसके, मतलब के जो शॉपकीपर्स हैं जिनके पास हैवी अमाउंट होता है और काफ़ी स्टॉक कर लेते हैं, तो होल सेलर जिसको हम कहते हैं, वो लोग काफ़ी हैवी अमाउंट में मोबाइल्स जो हैं वो कंपनी से उठा लेते हैं और आगे फिर अपनी मर्ज़ी से सेल आउट करते हैं। बिलफर्ज अगर 4 128 की प्राइस मार्केट में है, ऑनलाइन जो है वो तकरीबन 32 में आ रही है, तो मार्केट वाले उसको देंगे 34,000 रुपये का या फिर 35,000 रुपये का इन होल सेल। तो जब होल सेल में 35,000 रुपये का वो देंगे, तो आगे जो रिटेल है वो कितने का बेचेगा भाई मेरे, वो भी तो आखिर 1,000, 2,000 या 3,000 रख के ही बेचेगा ना। तो अब सीन यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, अगर ऑनलाइन इसकी प्राइस 32,000 रुपीज़ है, लेकिन मार्केट से आपको 32,000 का नहीं मिलने वाला, ये 37,000 to 40,000 के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। ये 4 128 की बात कर रहा हूँ, खैर 4 128 तो अभी मैंने खैर बहुत कम यहाँ पे देखा है, 4 764 की बात कर रहा हूँ, जो कि गो लिखा हुआ है ऊपर, 2023 लिखा हुआ है, स्पार्क गो 2023 लिखा हुआ है। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि यार ये आखिर ये सीन क्या चल रहे हैं, और बाकी मोबाइल्स का भी, इस मोबाइल को बहुत ज़्यादा गौर से मैं देख रहा हूँ कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है, और लोग क्या करें, और लोकल मार्केट में आखिर इस मोबाइल के साथ लोग क्या मजाक कर रहे हैं, और चाइनीज़ कॉपीज जो होती हैं ना, जिससे से आईफोन की और किट सेट इस से आती हैं, वो इस मोबाइल की भी बन के आ रही हैं। अब प्राइस ओए, ठीक है, प्राइस ओए डॉट पी के का तो सबको आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। लॉन्च डेट जो है July 14, 2023 है, टेक्नो स्पार्क 10 प्रो, जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 5399, मतलब 54,000 रुपीज़, अभी भी एक्सपेक्टेड प्राइस है यहाँ पर, ठीक है, मेंशन नहीं हुई है कि अगर सीन इसका क्या है। तो पहले हाइलाइट्स की जगह स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं कि स्पेसिफिकेशंस क्या हैं इसकी। बैटरी टाइमिंग जो है वो 5000 mAh है, सेम वही चीज़ है सारी, ठीक है। डिस्प्ले 6.8 inches, वही जो पहले मैंने आपको बताया था, 1080x2460। फ्रंट कैमरा की बात करें 32, मेन कैमरा जो है इसका 50, इंटरनल मेमोरी जो है वो 256, रैम 16GB एक्सटेंडर जो है वो 8GB साथ में आपको मिल रही है। कार्ड स्लॉट भी अवेलेबल है यहाँ पे, माइक्रो कार्ड, तो जाहिर सी बात है डुअल सिम के साथ आता है। एक कोर वेबसाइट है, सेम यहाँ पर जाते हैं, टेक्नो स्पार्क 10 मोबाइल इन टू है, टेक्नो प्राइस, टेक्नो स्पार्क 10 प्राइस इन पाकिस्तान आ रहा है, तो 8 128 जो है वो एक्सपेक्टेड है 30,000 रुपये में। लेकिन मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये जो प्राइस इसने यहाँ पर मेंशन की हुई है ना, मार्केट में अगर लेने जाओगे ना, 45,000 प्लस आपको ये मिलेगा वेरिएंट जो है। मेरी बात लिख लो आप, टेक्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाते हैं, वहाँ पर जो मैंने यहाँ पर सर्च बार पर लिखा टेक्नो स्पार्क 10 सीरीज़ में आया, एक ही मोबाइल आया, ठीक है, फ़ोन परफॉर्मेंस सेल्फी फ़ोन फॉर जनरेशन जेड, 32 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लीन फ्रंट कैमरा इसका आ रहा है, और मीडिया टेक हीलियो G88 का प्रोसेसर आ रहा है। नीचे जाएं तो एक ही वेरिएशन इसका आ रहा है, G88 प्रोसेसर, ठीक है, गेमिंग प्रोसेसर आ रहा है, 256GB रोम है और 16GB रैम के साथ एक्सटेंड यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। तो नीचे आए तो स्पेसिफिकेशंस अगर इसकी हम इन डेप्थ इन डिटेल रीड आउट करें, तो हमें सेम वही चीज़ यहाँ पे दी जाती है। और यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, वो G88 प्रोसेसर है, जबकि मार्केट के जो बॉक्सेस हमें मिल रहे हैं उसमें प्रोसेसर मेंशन ही नहीं किया गया, सारे सीन जो है ऊपर नीचे उल्टे सीधे हुए हैं। तो खैर ये भी आपको मैं ज़रूर बताऊँगा कि ये क्या सीन चल रहे हैं, लेकिन बताने का आपको मकसद ये है, लेने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि आप
कॉपी ले रहे हो या फिर ऑफिशियल ले रहे हो, मेरा तो यही आपको मशवरा है कि अगर आप ये बाय करने जा रहे हो तो अभी रुक जाओ, सब्र कर लो, कुछ टाइम गुजरने दो, उसके बाद इसकी प्राइस भी ड्रॉप हो जाएगी और मोबाइल का भी आपको पता चल जाएगा कि वो प्रो मैक्स और ये सारे सीन जो हैं या आखिर इनके अंदर चल क्या रहे हैं। तो होप सो कि बहुत सी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो चुकी होंगी, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।